आज पूरे दिन दो ही बातों की चर्चा रही, एक तो है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की चर्चा और दूसरी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को होने वाले वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की चर्चा। पहले आपको बताते हैं मोदी के भाषण में क्या हुआ। अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना पहला भाषण दिया और क्या जबरदस्त धुआंधार और आक्रामक भाषण उन्होंने दिया। और आज उन्होंने कहा साफ साफ कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहली बार वो इतना खुलकर बोले हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश के मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भड़का रही हैं, उन्हें मिसगाइड कर रही हैं। साफ साफ आज उन्होंने बोला है। परिवारवाद पर उन्होंने बोला है। विपक्षी दलों की जो बैठक हुई एक साथ एक संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने की, उस पर उन्होंने बोला है। और आज उन्होंने एक गारंटी दी है देश को। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जो गारंटी दे रहे हैं, आज मेरी गारंटी भी ले लीजिए। और वो गारंटी ये है कि विपक्षियों की गारंटी है विपक्षी दलों की कि वो घोटाला करेंगे, लेकिन मोदी की गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। तो आज का उनका ये जो भाषण है और इसका विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। फिर हम आपको बताते हैं 15 अक्टूबर रविवार का दिन और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, और वो भी कहाँ, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पाकिस्तान वहां खेलना नहीं चाहता था लेकिन अब उसे खेलना पड़ेगा। उस दिन सबकी नजरें इसी स्टेडियम पर रहेंगी और हम बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उस दिन चाहे भारत कुछ भी करे लेकिन उस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को यह मैच जीतना ही होगा। इसके बाद आपको बताएंगे वाग्नर जो प्राइवेट आर्मी है रशिया में, जिसने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया था, आज उसकी एक चिंताजनक खबर आपको बताएंगे। रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लगभग 5800। कल्पना कीजिए कि ये प्राइवेट आर्मी अगर इस विद्रोह में कामयाब हो जाती और इन न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच जाती तो क्या होता। ये जो कुछ हुआ रशिया में उसने दुनिया को बहुत चिंता में डाल दिया है, और ये रशिया नहीं कहीं भी हो सकता है, ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। आज इसके बारे में भी आपके लिए एक खास विश्लेषण होगा। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में। आज तक पर।